नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की पीडीएफ फाइल दिखाने जा रहा हूँ जिसके रॉ मार्क्स 85.5 थे, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ तो इसे मेरिट में आना चाहिए था, यहाँ तो आयोग ने इसे दौड़ लायक भी नहीं समझा। देखिए, ये उसकी पूरी पीडीएफ फाइल है। आप इस पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम ग्रुप वंदरों को भर्ती जांच के नाम से, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप इस फाइल को पूरी तरह देख सकते हैं। कहते हैं कि आग, कहते हैं कि धुआं वहीं से निकलता जहां आग लगे रहती है, परंतु यहां तो चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बस हमें इस आग को सबके सामने बेनकाब करना है। तब तक हमें अपना धैर्य साहस नहीं खोना है जब तक हम इस आग को बेनकाब ना कर ले। साथियों, आप समझ सकते हैं, अगर ये 85.5 वाले को जैसे दूध से मक्खी को अलग करते हैं, वैसे इन्होंने इन्हें दरकिनार कर दिया, तो उनकी क्या अवस्था रही होगी, उनकी क्या स्थिति रही होगी जिनके 70s में नंबर थे। ये नंबर ऐसे ही नहीं आए, ये नंबर अथक मेहनत से ये नंबर आए थे। परंतु आयोग तो बेपरवाह है, आयोग को कोई कुछ चिंता ही नहीं है। आयोग बिल्कुल यहाँ पे नकारा सिद्ध साबित होता हुआ। साथियों, हमें यूनिटी बनानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी और एक दूसरे का हौसला बढ़ाना होगा। हमें तब तक नहीं रुकना जब तक हम उसको सबके सामने बेनकाब ना कर दे, सबके सामने ये सिद्ध ना कर दे कि इसमें गड़बड़ी हुई है। हमें अपनी मंजिल अचीव करनी है और अपना टारगेट पे ध्यान रखना है। हमें असामाजिक तत्वों से प्रभावित नहीं होना है, ना उनको उनकी बातों का ध्यान रखना है, उनकी बातों का परवाह करना है। इसमें अनेक छात्र ऐसे थे जो ये आस उन्होंने लगाई थी कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, परंतु आयोग तो यहाँ गेम खेल गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूँ जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया भी नहीं, क्योंकि वो आगे देंगे, वो नहीं देंगे, उनके भाई बहन देंगे, उनके रिश्तेदार देंगे, उनके सगे संबंधी देंगे। एक न एक बार किसी न किसी को तो इस आग में कूदना है, तो क्यों ना अभी इस आग में कूदा जाए और आयोग को सबक सिखाए कि किस प्रकार आपने ये गलती की। साथियों, अभी के लिए इतना ही।